हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी महिला का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो उसे प्रेगनेंसी के वक्त क्या परेशानी आ सकती है। और अधिकतर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वह पहली डिलीवरी के बाद हमें आकर बताते हैं कि हम दूसरी प्रेगनेंसी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमको डॉक्टर ने बताया है कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और आपके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो आपके जो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, और अगर आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो आपको उसकी वजह से क्या परेशानी हो सकती है, और क्या आपको डरने की ज़रूरत है या फिर कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। पहले हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास कोई भी प्रेग्नेंट महिला पहली बार दिखाने आती है, चाहे उनकी पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, तो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है चेक करने की, वह होता है कि हम पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक करें। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर किसी महिला का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव आ रहा है तो हमें उसकी प्रेगनेंसी पर एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब किसी से पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो अगर उन्हें ब्लड ग्रुप नहीं पता होता है तो हम बाकी जाँचों के साथ ब्लड ग्रुप कराने भेजते हैं। तो ब्लड ग्रुप की जो रिपोर्ट आती है उसमें ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव टाइप के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो शब्द होता है वह RH फैक्टर को बताता है। हमारे जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक एंटीजन लगा रहता है जो कि RH फैक्टर को डिसाइड करता है। जनरल पॉपुलेशन में 85% पेशेंट्स के अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर मौजूद होता है, और केवल 15% लोगों में ही RH फैक्टर एब्सेंट होता है। जिनके अंदर RH फैक्टर पॉजिटिव होता है उसके ब्लड ग्रुप को हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं, और जिनके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट होता है उन्हें हम नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव है तो हमें उस प्रेगनेंसी पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। कब? जबकि उनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव हो। मैंने अपनी 25 साल की प्रैक्टिस में बहुत ही कम पेयर ऐसे देखे हैं जिनमें कि पति पत्नी दोनों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, RH नेगेटिव होता है। उस केस में जब वे प्रेग्नेंट होंगी तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होगा, और उन्हें फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और डॉक्टर को भी एक्स्ट्रा केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी परिस्थिति है जिसमें माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव है और फादर जो पार्टनर हैं उनका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव हो सकता है। RH फैक्टर का जो जीन्स होता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 की शॉर्ट आर्म पर होता है, और अगर ये जीन्स होमोजाइगस है तो 100% बच्चों में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जाएगा। बच्चे के RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव होने के चांस 50-50% रहेंगे अगर फादर का जो जीन्स है वो हेटरोजाइगस है। अभी तक हम जो है इंडिया में फीटस का ब्लड ग्रुप नहीं पता करते हैं, हालांकि ये पता किया जा सकता है। हम मदर के ब्लड में फीटल RBC को चेक करके बच्चे का ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं, और कॉर्डोसेंटेसिस के द्वारा भी बच्चे का ब्लड ग्रुप हम पता कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये टेस्ट नहीं किए जाते हैं। अतः हम ये मानकर चलते हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव हो सकता है, तो हम जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसके बेबी को RH पॉजिटिव बेबी मानकर ही महिला का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि जब हमारे पास इस तरीके की पेशेंट आती हैं तो अगर उसकी वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो हम उनको कैसे जो है सावधानियां बताते हैं और कैसे उनके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड ग्रुप कराते हैं। अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ जाता है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है, तो हम पेशेंट का ICT टेस्ट कराते हैं, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट क्या होता है कि जो
गर्भ में पल रहे शिशु की जो ब्लड सेल्स होती हैं वह माता के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो जाती हैं। अब चूंकि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और माँ का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो बच्चे की जो RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स होती हैं वह माँ के अंदर जाकर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पैदा करती हैं और माँ के अंदर एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ। इसे हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। और जब ये एंटीबॉडीज शरीर में बढ़ने लगती हैं तो ICT टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अगर ICT टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम ये मान के चलते हैं कि माँ के अंदर ऑलरेडी सेंसिटाइजेशन हो गया है और माँ के अंदर एंटीबॉडी मौजूद हैं। और ये एंटीबॉडीज अगर बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हैं, बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी ब्लड सेल्स को ख़त्म कर देती हैं और बच्चे के अंदर फिर खून की कमी होने लगती है और उसके शरीर के अंगों पर प्रभाव आता है। उसकी स्प्लीन बड़ी हो जाती है, लिवर बड़ा हो जाता है, पेट में पानी भरने लगता है, पूरे शरीर में सूजन आने लगती है और कई बार हार्ट फेलियर से लंग फेलियर से बच्चे की पेट में ही मतलब गर्भावस्था के दौरान ही डेथ हो सकती है। और अगर बच्चे को कम असर आया है तो बच्चा पैदा हो जाता है और उसके बाद उसको जॉन्डिस होती है, खून की कमी होती है और कई बार बच्चा सरवाइव कर पाता है अच्छे ट्रीटमेंट के बाद और कई बार बच्चे की जन्म के बाद भी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए RH नेगेटिव प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर फादर RH पॉजिटिव है और माँ RH नेगेटिव है और इस समय उनको पहली प्रेगनेंसी है, तो हम कोशिश करते हैं कि माँ को गर्भपात ना हो, कोई ब्लीडिंग की परेशानी ना हो, कोई हम मैनिपुलेशन ना करें प्रेगनेंसी के साथ, कोई प्रोसीजर ना करें जैसे कि कॉर्डोसेंटेसिस है, कोरियोनिक्विलस सैम्पलिंग है, क्योंकि कोई मैनिपुलेशन करने से या DNC करने से कई बार क्या होता है कि जो फीटल RBCs होती हैं वो मदर के ब्लड में चली जाती हैं और मदर के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पैदा होती है और एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो फीटस आता है उसको हानि पहुंचा सकती हैं। दूसरी जो प्रिकॉशन है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हुई हैं और माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो हम पेशेंट को ICT टेस्ट कराते हैं और ICT टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उनको 28 वीक्स पर एक प्रोफाइलेक्टिक डोज ऑफ NTD इंजेक्शन दिया जाता है 300 माइक्रोग्राम यूनिट का, जिससे कि भविष्य में आखिरी तिमाही में अगर कोई ऐसा चांस बनने वाला है जिससे कि फीटल RBC मदर के अंदर प्रवेश करने वाली हो, तो हमारा जो वो इंजेक्शन का डोज होता है वह माँ के अंदर सेंसिटाइजेशन होने से बचाता है। उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होने के तुरंत बाद जो बच्चे की जो कॉर्ड होती है उससे बच्चे का ब्लड सैंपल लिया जाता है और चेकअप करने भेजा जाता है बच्चे का ब्लड ग्रुप। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव आता है तो हम माँ को एक इंजेक्शन NTD का 300 माइक्रोग्राम यूनिट का फिर से लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि यह NTD का प्रोफाइलेक्टिक इंजेक्शन है वह डिलीवरी के तुरंत बाद जितनी से जल्दी लगाया जा सके उतनी जल्दी लग जाए। और 72 घंटे के भीतर अगर यह इंजेक्शन लगता है तो माँ को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और वैसे यह इंजेक्शन एक महीने तक भी लगाया जा सकता है। ICT टेस्ट नेगेटिव होने पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रोफाइलेक्टिक डोज NTD इंजेक्शन का आपको लगवाना है जिससे कि आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी आने वाली है उसको कोई परेशानी नहीं हो। और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप डिलीवरी के बाद नेगेटिव आता है तो आपको कोई भी इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर ICT टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस प्रेगनेंसी को कैसे डील किया जाता है। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके कोई भी सवाल हो तो हमसे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डालकर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।